हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला द्वारा आईएएस अफसर की बेटी से छेड़छाड़ को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। इस मामले में पीड़िता भी खूब लकर सामने आ गई है। उसने न केवल पुलिस को बयान दिया बल्कि मीडिया से भी बात की और उस दिन की पूरी घटना फेसबुक पर लिखी। यह पोस्ट कुछ ही देर में वायरल हो गई। युवती ने लिखा है कि मैं तकरीबन किडनैप हो चुकी थी। मैं रात करीब 12:15 बजे कार से सेक्टर 8 मार्केट से अपने घर जा रही थी। जब मेन रोड क्रॉस करने के बाद सेक्टर 7 के पेट्रोल पंप के पास पहुंची, उस समय मैं फोन पर अपने फ्रेंड से बात भी कर रही थी। वहां एक मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी कार का दूसरी कार पीछा कर रही है। यह सफेद रंग की एसयूवी थी और मैंने नोटिस किया कि यह कार मेरी कार के साथ साथ मुझे चेज कर रही थी। युवती ने आगे लिखा, यह कहना ठीक हो गा कि संकट की घड़ी में कॉल करने पर एक मिनट में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और मुझे संकट से बाहर निकाला। इस हादसे से सिस्टम पर मेरा दोबारा विश्वास कायम हुआ है। थैंक्स चंडीगढ़ पुलिस। छेड़छाड़ से पीड़ित लड़की के आईएएस पिता ने भी फेसबुक पर जहां पूरे घटनाक्रम की जानकारी साझा की, वहीं चंडीगढ़ पुलिस की भी तारीफ की। पीड़ित युवती ने महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा को लेकर नसीहत दी। युवती ने इसके बाद मीडिया से बातच तमें चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ करते हुए कहा, पुलिस ने मेरी पूरी बात सुनी और मदद को भरोसा दिया। इसके बाद पुलिस आई और उन्होंने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। मैं चंडीगढ़ पुलिस की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने समय पर कार्रवाई करके मुझे बचा लिया। कांग्रेस और चौटाला के निशाने पर बीजेपी। राज्य में INLD के नेता अभय चौटाला ने कहा कि जो लोग बेटी बचाने की बात करते हैं, उनके बेटे की इस हरकत ने हरियाणा को शर्मसार कर दिया है। इन लोगों के संस्कारों में क्या है, यह सबके सामने आ गया है। नैतिकता के आधार पर बराला को न सिर्फ इस्तीफा दे बल्कि राजनीति से संन्यास भी लें। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस घटना से सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन को धक्का लगा है। पुलिस ने बदली धाराएं, उठे सवाल। इस मामले में पुलिस के तेजी से धाराएं बदलने पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने शाम होते होते अपनी तफ्तीश के आधार पर आरोपियों पर नई धाराएं जोड़ दी। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि हर भारतीय की तरह वह भी कानून का सम्मान करते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास है कि कानून द्वारा निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच की जाएगी। DSP ईस्ट सतीश कुमार ने की इस मामले में बताया कि आरोपी विकास बराला और आशीष के खिलाफ नई धाराएं लगाई गई हैं। पीड़िता के बयान पर दोनों के खिलाफ था रात 341 जोड़ी गई है। पीड़िता ने अपने 164 के बयान में स्पष्ट तौर पर किडनैपिंग की बात नहीं की है, इसलिए धारा 365 और 511 लगाई है। फिलहाल 365 और 511 धारा नहीं लगाई जा रही हैं और इसके लिए कानूनी राय ली जाएगी। उल्लेखनीय है पहले 354D और मोटर व्हीकल एक्ट 185 लगाई थी। LLB का स्टूडेंट है विकास बराला। DSP ईस्ट सतीश कुमार के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही PCR हरकत में आ गई थी और आरोपियों को हाउसिंग बोर्ड का लाइट पॉइंट के पास घेर कर पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ धारा 354D और 185 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी शराब के नशे में धुत पाए गए। आरोपियों का मेडिकल करवाया गया और थाने लाया गया। इस दौरान पीड़िता के बयान भी लिए गए। विकास बराला कुरुक्षेत्र में LLB का स्टूडेंट है और उसका साथी LLB पास कर चुका है। छानबीन में जुटी पुलिस के मुताबिक विकास और आशीष ने सेक्टर 9 में शराब पी थी और सेक्टर 7 के पेट्रोल पंप के पास कार चला रही एक लड़की का पीछा किया। गाड़ी से मिले पंप दीनदयाल उपाध्याय के दस्तावेज। बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे को गिरफ्तार करने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने उस सफारी गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया जिसमें वह दोनों आरोपी सवार थे। पुलिस जांच में पता चला है कि बरामद की गई गाड़ी टोहाना निवासी जयदीप के नाम पर पंजीकृत है। जयदीप सुभाष बराला के रिश्तेदार हैं। बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को चंडीगढ़ पुलिस ने जिस गाड़ी से गिरफ्तार किया है, उस गाड़ी में न केवल हरियाणा बीजेपी से संबंधित प्रिंट सामग्री पड़ी हुई थी बल्कि गाड़ी की पिछली सीट पर दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित टोपी व अन्य सामग्री भी पड़ी हुई थी। माना जा रहा है कि यह गाड़ी अमित शाह के हरियाणा प्रवास के दौरान में भी गई थी। बराला पर इस्तीफा देने का दबाव। रोहतक से मिशन 2019 का गुरु मंत्र लेकर लौटे हरियाणा बीजेपी को अपने प्रदेश।